अनेक बार साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें परमात्मा को पाना है या अमरत्व को पाना है, परमात्मा को पाना है या मुक्ति को पाना है। यदि मुक्ति को पाना है तो परमात्मा को पाने की बात क्यों की जाती है, और यदि परमात्मा को पाना है तो मुक्ति को पाने की बात क्यों की जाती है। तो यमाचार्य कह रहे हैं तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहा जाता है, वही अमर तत्व है। अमरता की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति ही है, परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति की प्राप्ति है, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, उसे ही हमें प्राप्त करना है। संसार में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कल्याण करते हैं, हमारा हित करते हैं, वो हमारा हित करते रहते हैं, लेकिन हम जीवन का लक्ष्य कुछ और बना लेते हैं। हमारा लक्ष्य उस कल्याणकारी को पाना या कल्याणकारी का हित करना नहीं रह जाता। माता पिता बड़े भाई बहन छोटे भाई का बहन का हित कर रहे हैं, उसी के लिए लगे हैं, उसको उस कल्याण की परवाह नहीं है, उसने तो अपना लक्ष्य कुछ और धन प्राप्ति या कहीं विदेश में जाने का बना लिया है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो हमारा कल्याण कर रहा है वही हमारा लक्ष्य है, वही अमृत है, दोनों एक ही तत्व है, हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। जो हमारा कल्याण कर रहा है वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। और परमात्मा की महत्ता बताते हुए कहा तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उसी परमात्मा में समस्त लोक आश्रित हैं, उसी के आधार पर समस्त लोक यानी समस्त प्राणी और समस्त ग्रह उपग्रह लोक लोकांतर आश्रित हैं। अनेक बार प्रश्न उठता है कि हमारा आश्रय तो ये भूमि है, इस भूमि का आश्रय क्या है, इस पृथ्वी का आधार, इसके जीवन का आधार सूर्य है, सूर्य का आधार क्या है, हम परिकल्पना नहीं कर पाते इन सब का आधार क्या है। जिस प्रकार हमारा आधार ये बड़ी पृथ्वी है, उसी प्रकार इस पृथ्वी का आधार कोई और बड़ी पृथ्वी हो तो एक और बड़ी पृथ्वी की कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी तो कोई पृथ्वी हमारे को दिखाई नहीं देती। वो पृथ्वी जिस पर, वो स्थान जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई हो, तो प्रश्न उठेगा आखिर ये किसके आश्रित है, किसके आधार पर चल रहा है। लोक में प्रचलित हुआ कुछ ग्रंथों के अनुसार कि ये पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है, और एक नाग की कल्पना कर ली गई, सर्प की कल्पना की गई, और उसके सिर के ऊपर पृथ्वी को टिका दिया गया। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ये शेष कौन है, ये शेष भगवान कौन है, ये परमात्मा का नाम है। सर्प का तरह का कोई व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं है, ये शेष परमात्मा ही है जो सदा अवशिष्ट रहता है। उसी के आधार पर ये पृथ्वी है, और यही पृथ्वी नहीं बाकी सारे लोक लोकांतर भी उसी परमात्मा के ऊपर आश्रित हैं। तो कहा तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, ये सारे के सारे लोग जिसके ऊपर आश्रित हैं, परमात्मा के ऊपर ही आश्रित हैं, परमात्मा ही इनकी व्यवस्था कर रहा है, परमात्मा ही इनको चला रहा है। इतनी बड़ी महत्ता साधक के मन में स्थापित की जा रही है ताकि वो परमात्मा के प्रति श्रद्धान्वित हो सके, समर्पित हो सके। और कहा कि ठीक है परमात्मा पे ये सब आश्रित हैं, तो क्या ये इसके नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे बच्चे माता पिता पे आश्रित होते हुए भी माता पिता के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, कर सकते हैं, तो ये सारे लोक लोकांतर भले ही परमात्मा पर आश्रित हों, परमात्मा इनकी व्यवस्था कर रहा हो, लेकिन क्या ये लोक ये प्राणी परमात्मा का अतिक्रमण कर सकते हैं। तो कहा कि नहीं, तत् उ न अत्येति कश्चन,
निश्चय ही उस परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, कोई लोक नहीं कर सकता, कोई प्राणी नहीं कर सकता। तत्व न अत्येति कश्चन, कश्चन कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोक तत्व न अत्येति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। परमात्मा सबका आश्रय है, इसके साथ साथ वो इतना शक्तिशाली भी है कि उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के नियमों का, परमात्मा की व्यवस्था का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। संसार के व्यवहारों को देखते हुए और एक तरफ परमात्मा की इस प्रकार की प्रशंसा, स्तुति, महिमा को सुनते हुए दोनों में सामंजस्य नहीं दिखाई देता। एक तरफ हम जानते हैं कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम संसार में देखते हैं लाखों नहीं करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं जो परमात्मा का अतिक्रमण करते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वेद के विपरीत आचरण करते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों दूसरों की छोड़िए, हम स्वयं अपने जीवन को देखें तो हम भी विभिन्न विषयों में परमात्मा के नियमों का, परमात्मा के अनुशासन का उल्लंघन करते रहते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। समझने की बात यह है कि जिसको हम परमात्मा का अतिक्रमण समझ रहे हैं, परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन समझ रहे हैं, वो वस्तुतः है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की व्यवस्था से ही हमको दी हुई कर्म की स्वतंत्रता है। जिस कर्म की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम विभिन्न गलत कार्यों को भी कर लेते हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, ये व्यवस्था भी परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रही है। परमात्मा ने जो हमारे को शक्ति सामर्थ्य दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ये कर्म की स्वतंत्रता हमने नहीं प्राप्त की है, ये परमात्मा की व्यवस्था से है। और इसके अंतर्गत, कर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत रहते हुए जो हम गलत कार्य कर रहे हैं अथवा जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका फल शुभ या अशुभ वो फिर परमात्मा के ऊपर आश्रित है, परमात्मा के नियमों के अनुसार अवश्य ही हमारे को मिलेगा। पिछले श्लोक में कहा गया था यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुसार हमको शरीर मिलता है, भोग मिलते हैं। तो जहां संसार में परमात्मा के नियम आदेशों का उल्लंघन होते हुए दिखता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य या कोई प्राणी परमात्मा के नियमों का अतिक्रमण कर गया हो। परमात्मा ने कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है। परमात्मा का अतिक्रमण तो तब होता जब परमात्मा ने जो सीमाएं हमारे लिए बांधी है, हम उन सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाते। मनुष्य कितने भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सीमाओं के अंतर्गत ही करता है, उसके इधर उधर नहीं कर सकता। और कर्म करने के बाद में जो फल मिलेगा उस पर यदि हमारा अधिकार होता और हम अपनी इच्छा से पाप कर्म के फलों को, दुख को न भोगना चाहते और हटा सकते, तो यह परमात्मा के नियम का अतिक्रमण होता। लेकिन कोई भी प्राणी परमात्मा के नियम का, उसके अनुशासन का, उसकी न्याय व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं कर सकता। और इतना जो शक्तिशाली, इस प्रकार का सबके ऊपर कृपा करने वाला परमात्मा है, उसी के लिए कहा गया एतत्व इतत्, यही वो तत्व है, यही वो परमात्मा है जिसको तुम्हें पाना है। साधना के क्रम में एक साधक के लिए ये सब क्यों बताया जा रहा है कि परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। एक तरफ परमात्मा को अत्यंत कृपालु, सतत हमारी चिंता करने वाला बताया, जब हम स्वयं अपना
अपने बारे में नहीं सोचते, उस समय भी वो हमारे बारे में सोच रहा होता है, इतना कृपालु। और उसके नियम भी कठोर, ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं? परमात्मा के जिन जिन गुण धर्मों का शास्त्रों के अंदर उल्लेख है, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी साधना के साथ में संबंध होता ही है। कोई भी व्यक्ति जब बुरा कर्म करता है, उस बुरे कर्म में अपना तो कुछ ना कुछ हित देखता है, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचा देता है। विचार करें, हम बुरे कर्म क्यों करते हैं, कब करते हैं? यदि व्यक्ति के सामने ये निश्चित हो कि मेरे को इसका दंड अवश्य मिलेगा, तो वो बुरे कर्म नहीं करेगा। व्यक्ति को पता है कि मैं इस बुरे कर्म को करते हुए भी बच जाऊंगा, बच सकता हूं। चोर जिस समय चोरी के लिए प्रवृत्त होता है, उसको ये आशा रहती है कि मैं अपनी चतुराई से इस प्रकार से चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसलिए वो प्रवृत्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को ये निश्चित हो कि मैं एक की जेब काटूं, 100 रुपए चुराऊं, तो मेरे को 1 महीने जेल में रहना पड़ेगा निश्चित रूप से, तो 100 रुपए नहीं चुराएगा, वो गलत कार्य नहीं करेगा। और यदि किसी चोर को जेल हो भी गई है, फिर वहां से छूट करके आके फिर चोरी के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर उसको ये आशा है कि मैं चाहे रिश्वत दे करके या किसी चतुराई से इस चोरी के दंड से बच जाऊंगा, इसलिए वो प्रवृत्त होता है। तो यदि साधक के मन में ये भाव पूरी दृढ़ता से आ जाए कि परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, बुरे कर्म का फल मुझे अवश्य मिलेगा, तो फिर वो बुरे कर्म नहीं करेगा। और मैं जो अच्छे कर्म कर रहा हूं, उसको कोई मेरे से अंततोगत्वा नहीं छीन सकता, उसका शुभ फल मेरे को अवश्य मिलेगा, इसका भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, तो वो शुभ कर्मों में पूरी दृढ़ता से निशंक होकर के लगा रहेगा। तो यदि दंड हमारे सामने निश्चित प्रतीत हो, तो हम बुरे कर्म नहीं करेंगे। अधिकांशतः यही बात होती है, लेकिन कुछ संदर्भों में हमें इसके विपरीत भी दिखाई देगा। किसी व्यक्ति के साथ अत्यंत दुश्मनी हो गई है, उससे बदला लेना है। व्यक्ति को पता है कि अगर मैंने इसको जान से मार दिया, इसकी हत्या कर दी, तो मेरे को जेल होगी, जीवन भर मैं जेल में रहूंगा, 12 साल 18 साल जेल में रहूंगा। इतना निश्चय होते हुए भी वो कई बार गलत कार्यों को करता है। वो कहता है कि भले ही मेरे को जेल हो जाए, लेकिन इसको तो मैं जरूर मारूंगा। जिस समय अत्यंत क्रोध और अत्यंत द्वेष होता है, प्रतिशोध की भावना होती है, उस समय व्यक्ति अपनी हानि को सहते हुए भी, स्वीकारते हुए भी दूसरे को हानि करना चाहता है, ऐसा लोक में देखा जाता है। तो जो पहली बात आपके सामने रखी थी कि दंड यदि सामने हो तो व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा, अधिकांश स्थलों पर यह बात ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्थल हमको ये दिखाई देंगे जहां व्यक्ति दंड को स्वीकारते हुए भी, जानते हुए भी गलत कार्यों को करता है। लेकिन इसकी भी जब हम विवेचना करें, तो उस व्यक्ति का ये दिमाग काम कर रहा है कि जो मेरा शत्रु है, उसकी हत्या कर मैं कर दूंगा, उसको मैं हानि पहुंचा दूंगा, भले ही मेरे को हानि हो जाए। लेकिन यदि वहां उसको ये पता हो कि जिसकी मैं हत्या कर रहा हूं, उसकी भी मैं कोई हानि नहीं कर सकता, इस जन्म में भले ही मैंने उसकी हत्या कर दी हो, उसकी कुछ हानि कर दी हो, उसको कुछ दुख पहुंचा दिया हो, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से इसको इस चीजें वापस मिलेंगी, और जो मैंने अतिरिक्त दुख दे दिया, जो हानि की, उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। अर्थात ये और अच्छा बनकर के निकलेगा, और इसको लाभ होगा, कुछ अतिरिक्त चीज उसको मिल जाएगी,
ऐसा यदि हमको पता हो तो वो तब भी हत्या नहीं करेगा। वस्तुतः हम सत्य को या वास्तविक स्थिति को थोड़ा सा छोड़ करके इस तरह के कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसे यह निश्चित है जो दूसरे की हत्या करके जेल भी चला जाता है कि मैं सामने वाले की हानि कर दूंगा। सभा में किसी का अपमान करना है, मैं इसका अपमान तो कर ही दूंगा, भले ही मेरे को फिर ये पीटा पीट दे। पीटना निश्चित होते हुए भी सभा में उसका अपमान कर देगा, वो ये मान करके करता है कि मैं इसकी हानि कर रहा हूं और इसकी हानि हो जाएगी, इसके यश की हानि होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि यहां भी सोचें कि यदि किसी ने किसी के यश की हानि कर दी, अन्यायपूर्वक कर दी, तो परमात्मा की व्यवस्था से तो उसको वो यश जिसका वो भागी है, जिसका वो अधिकारी है, आज नहीं तो कल किसी भी रूप में मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा। अगर ये निश्चय हो कि मेरे गाली बकने से, मेरे इसको निंदा करने से सभा में इसका यश और बढ़ जाएगा, पिटाई हो या नहीं हो अलग बात है, तो भी व्यक्ति उसको गाली नहीं देगा। तो परमात्मा सबका अतिक्रमण करके रहता है और कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये भाव यदि मन में निश्चित रूप से आ जाए तो हम अपने दंड को सामने रखते हुए और दूसरे की भी हानि को हटाते हुए कि हम दूसरे की हानि कभी कर ही नहीं सकते, परमात्मा की व्यवस्था से उसको उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी, ये भाव यदि आ जाए तो प्रतिशोध में भी हम दूसरे को मार नहीं सकते। हमें ये लगेगा यदि मैंने इसको दंड दिया तो इसको तो और सुविधा हो जाएगी। एक बच्चा सोचे कि मैं अपने दूसरे बच्चे का आधा लड्डू छीन लूं तो इसको एक लड्डू मिल जाएगा, तो उसका आधा लड्डू छीनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं तो इसका आधा लड्डू छीनना चाह रहा था लेकिन इसको तो इसके प्रतिफल में एक लड्डू मिल जाएगा, तो उसका हित क्यों चाहेगा। तो गलत कार्य को भी जिस रूप में हम कर लेते हैं वो नहीं करेंगे। तो यमाचार्य ने कहा तदु न अत्येति कश्चन, उस परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये भाव यदि हमारे मन में बैठ जाए तो साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। साधना के लिए जो आवश्यक मानसिकता है, आधार भूमि है, वो हमारी तैयार होती है। इसलिए इस प्रकार के वर्णन शास्त्रों के अंदर किए गए हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ Oh.